भावेश जी बड़े ध्यान से सुनिएगा आपको कि आपकी रेखाओं में संघर्ष ज़्यादा है, ऐसे का संघर्ष, लड़की का संघर्ष, सारे संघर्ष ही संघर्ष है। लड़की देख के काम चला जाएगा। जिंदगी में इतना ही कहूँगा बड़ी हिसाब से लाभ, जिनके सेवक बन जाएँ आप, जैसे राम जी के हनुमान सेवक थे तो उनका भी गिनती आती है, तो जैसे आपको सेवक बनना है। और देखिए मन भागता रहता है इधर उधर, देखिए आपका फालतू भगाते हैं मन को बिल्कुल स्थिर करने हैं आप। मन से भगवान को राजी कराकर जीवन सफल हो जाएगा आपका। थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखें आप, और नशे से दूर आकर जीवन सफल हो जाएगा आपका। देखिए दुनिया भर के शौक मोज पाल लिए हैं आपने, पैसे कमाने और बचाने का शौक नहीं है आपको। देखिए थोड़ा थोड़ा बचाएँगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कि अपनी झोपड़ी बनी हुई इधर ही, कहता है मीरा भाई ने इधर आके 12 साल तक तपस्या करी थी। फिर आगे और ये तालाब बना हुआ सावन भरवा करता है, ये कहता है मीरा भाई का आंसुओं से भरा था, ये कभी खाली नहीं होता और किसी को मालूम नहीं है कि कितना गहरा है ये। अच्छा अभी तक माता जी है ना, वो इधर से अपने जोत उधर गई थी चोटेला माता जी, इसलिए उधर का भी मंदिर उसने सबसे पहले माउंट आबू पर इधर ही स्थापित हुई थी माता जी। या पंच धातु बोल रहे हो, गोल्ड फिर गोल्ड बोल रहे हो, मतलब गोल्ड का उसके ऊपर वर्क किया हुआ है। मतलब पूरी 5000 किलो की मेन मूर्ति है, उसका मतलब 80% गोल्ड है, 20% पंच धातु। ठीक है, टोटल मिला के वो मूर्ति 5000 किलो, 1444 मण एक मूर्ति जो 125 मण की मेन मूर्ति। ठीक है, ठीक। टोटल उधर 14 मूर्ति है, छोटी बड़ी मिला के उनका वेट है 14। और प्रमुख मूर्ति है वो कौन, किन की है प्रमुख जो मूर्ति आप बता रहे हैं? आदिनाथ पहले चिंतन करते ना, आदिनाथ सही बात है, उनकी बनी हुई है। उसके अंदर 80% गोल्ड है, 20% पंचधातु है, टोटल 14 मूर्ति है। दूसरी मूर्ति में 20% गोल्ड है, 80% पंचधातु है, तो मेन मूर्ति उसमें 80% गोल्ड है। तो अभी चिंतन कर रहे हो, वो फर्स्ट सबसे आदिनाथ पहले, फिर नैमिनाथ वगैरह हो गया। तो अपना पालीताना के अंदर जो प्रमुख तीर्थ हैं वो आदिनाथ, आदिश्वर भगवान और आदिनाथ भगवान एक ही है। बहुत सही। साल पहले जो पूरे माउंट पे है के राजा आदिपाल था ना जी, उनका शासन था पहले माउंट पे, तो ये पूरी देवी पहले इधर थी, इधर स्थापित करी थी इन्होंने। तो ये राक्षस थे ना, ये तीनों आके सारा घी है ना झूठा कर देते थे, तो झूठा की हवन में सुबह काम नहीं लिया जाता था। तो इधर का राजा था राजा आदिपाल परमार, उन्होंने ऋषि मन ने उनको जाके कंप्लेंट की और तीनों के एक साथ में मार दिया था। और पास में जाकर देखना तो हॉल बने हुए छोटे छोटे तीनों के एक साथ में, और इधर का यादगार और इनके यादगारी के लिए 400 साल पहले ये स्टैच्यू बनाए थे ब्लैक कलर। और नीचे असलेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो अंगूठे वाला है, शिव जी का अंगूठा टच हो गया। कहते हैं कि पहले ये सभी देव देवता माउंट पे आके विराजमान हुए थे, खाली महादेव जी नहीं आए थे। तो ये माउंट आबू हिलने डुलने लगा था, तो काशी सभी देव देवता ने उनको जाकर महादेव जी को मांग की कि आप माउंट पे पधारे। तो काशी से बैठ के महादेव जी ने अपने दाहिने पैर का अंगूठे से पूरा माउंट आबू स्थापित किया हुआ है। ये अंगूठा यहाँ पे रखा है, हाँ, दाहिने पैर का अंगूठे की पूजा होती है। हर जगह शिवलिंग और फोटो की पूजा होती है, लेकिन माउंट आबू में अपने अंगूठे की पूजा होती है। और बाहर में एक नंदी 4500 किलो